नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं TDS ऑन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 194A। जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो सेक्शन 194A के माध्यम से हमें TDS डिडक्ट करना होता है। आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि TDS से संबंधित एंट्रीज को हम किस तरह से टैली में पोस्ट करेंगे। इससे पहले यदि आप ये जानना चाहते हैं कि TDS क्या होता है और GST के साथ TDS की एंट्रीज को किस तरह से पोस्ट करना है तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह से जो लेटेस्ट अभी चेंजेस हुए हैं, जो 1 अक्टूबर 2018 से TDS विद GST के साथ अप्लाई होने वाले हैं, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया है। इस तरह से TDS रिफंड या जब आपका TDS कोई पार्टी काट लेती है तो उसकी एंट्री हमें किस तरह से करनी है, जिसे हम TDS रिसीवेबल, TDS ऑन रिसिप्ट भी कहते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने एडवांस टैक्स या इनकम टैक्स के बारे में भी जानकारी दी है। आपको इन सभी वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम पर्टिकुलर सेक्शन 194A की बात करने वाले हैं। ये सेक्शन डील करता है विद अ डिडक्शन ऑफ TDS ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटीज से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है या हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसे इस सेक्शन में कवर नहीं किया गया है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस अदर देन बैंक्स पर जो इंटरेस्ट हमें पे करना होता है उसे इस सेक्शन में कवर किया गया है। सिंपल वर्ड्स में इस सेक्शन में इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, मित्रों और रिश्तेदारों से जो आपने लोन लिया है और उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है, या फिर इंटरेस्ट पेड टू बैंक ऑन लोन टेकन, बैंक से आपने लोन लिया है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है, या किसी भी प्रकार के अनसिक्योर्ड लोन पर जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं और आपको TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है तो सेक्शन 194A अप्लाई होता है। अब TDS किसे डिडक्ट करना है? दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया है कि इंडिविजुअल, HUF या कंपनीज जिनकी बुक्स पिछले फाइनेंशियल ईयर में अंडर सेक्शन 44AB में ऑडिट की गई हैं तो उन सभी को TDS डिडक्ट करना होता है। यहाँ हम इंडिविजुअल और HUF की बात भी कर रहे हैं। यदि इंडिविजुअल और HUF बिजनेस और प्रोफेशन रन करते हैं और उनकी बुक्स भी सेक्शन 44AB में ऑडिट की गई हैं तो उन्हें भी पेमेंट्स पर TDS डिडक्ट करना होता है। सेक्शन 194 में जो TDS हम डिडक्ट करेंगे इंटरेस्ट पर, उसकी रेट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि आप बैंक को छोड़कर किसी अन्य को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपको 10% TDS डिडक्ट करना होगा और इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 5000। इट मीन्स पूरे साल में 5000 से कम का यदि इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं तो आपको कोई TDS डिडक्ट नहीं करना है। यदि 5000 और 5000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट आपको पे करना है तो फिर 10% की रेट से आपको TDS डिडक्ट करना होगा, और वो भी तब जब सामने वाली पार्टी जिसका हम TDS डिडक्ट कर रहे हैं उसका पैन नंबर उपलब्ध है। यदि पैन नंबर उपलब्ध नहीं है तो TDS का रेट 20% रहेगा, लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट 5000 ही रहेगी। इस तरह से बैंक्स को हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और पैन नंबर अवेलेबल है, जनरली वो अवेलेबल ही होता है, तो फिर रेट 10% रहेगी, पर यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट 10000 रखी गई है। इस तरह से पैन अवेलेबल नहीं होने पर 20% रेट रहेगा और थ्रेशोल्ड लिमिट 10000 ही रहेगी। जब हम किसी पार्टी का TDS डिडक्ट करते हैं तो डिडक्ट करने के बाद हमें TDS सर्टिफिकेट्स इशू करने होते हैं। आपने सुना होगा फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 16B, फॉर्म 16C, ये सारे TDS डिडक्शन सर्टिफिकेट्स हैं जो हमें पार्टी का TDS डिडक्ट करने के बाद इशू करने होते हैं। जनरली बैंक में जब हम फिक्स डिपॉजिट्स करवाते हैं तो बैंक फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट हमने अर्न किया है उस पर TDS डिडक्ट करता है और फॉर्म 16A इशू करता है। इसी तरह से एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय की सैलरी पर जो TDS डिडक्शन होता है तो वो फॉर्म 16 TDS सर्टिफिकेट इशू करता है। ये बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म 16 TDS ऑन सैलरी पेमेंट्स पर इशू किया जाता है और ये ईयरली जनरेट होता है। इस तरह से फॉर्म 16A TDS ऑन नॉन सैलरी पेमेंट्स पर इशू किया जाता है और इसे क्वार्टरली जनरेट किया जाता है। फॉर्म 16B TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी पर इशू होता है और इसे प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर जनरेट किया जाता है। इस तरह से फॉर्म 16C TDS ऑन रेंट पर इशू किया जाता है और इसे भी प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर जनरेट किया जाता है। यदि हम TDS डिडक्ट करते हैं तो डिडक्शन के बाद हमें TDS रिटर्न भी भरना होता है, और यहाँ पर TDS रिटर्न के लिए अलग अलग फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है।
जैसे फॉर्म 24Q, स्टेटमेंट फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरीज। सैलरी पर जो हम टीडीएस का डिडक्शन करेंगे उसकी सारी डिटेल हमें फॉर्म 24Q के अंदर सबमिट करनी होती है। इसी तरह से फॉर्म 26Q, स्टेटमेंट फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन ऑल पेमेंट्स एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी के अलावा जितने भी पेमेंट्स हमने किए हैं और उन पर यदि हमने टीडीएस डिडक्ट किया है तो उनकी डिटेल हमें फॉर्म 26Q में रिटर्न के फॉर्म में सबमिट करनी होती है। इस तरह से फॉर्म 26Q, स्टेटमेंट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स पेबल टू नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के बाहर से कोई पार्टी है और उसको हमने पेमेंट किया है और उस पेमेंट पर टीडीएस हमने डिडक्ट किया है, तो ऐसी कंडीशन में उसका रिटर्न हमें फॉर्म 27Q में सबमिट करना होता है। आइए चलते हैं टैली में और प्रैक्टिकली सीखते हैं कि किस तरह से हमें टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 194 से संबंधित एंट्रीज को टैली में पोस्ट करना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें गेट फिफ्थ टैली में खड़े रहते हुए F11 प्रेस करना है, स्टेचुटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन में जाना है और टीडीएस वाला ऑप्शन यस करना है। ध्यान रहे दोस्तों, इंटरेस्ट पर किसी तरह का कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए जीएसटी वाले ऑप्शन मैं यहाँ पर इनेबल नहीं कर रहा हूँ। आपको टीडीएस इनेबल करना है और टीडीएस डिटेल को यस करते हुए सारी डिटेल को फिल आउट करनी है। इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए फिर से मैं इन्हें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप इन्हें फिल आउट करते हुए सेव कर लीजिएगा और कुछ लेजर्स आपको क्रिएट करने होंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट पेड का लेजर, चूँकि हमें इंटरेस्ट पे करना है और इसे हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा इस टीडीएस एप्लीकेबल, इसे आपको एप्लीकेबल करना है और जैसे ही आप एप्लीकेबल करेंगे तो टैली आपको नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा कि किस सेक्शन के अंदर आप टीडीएस को डिडक्ट करना चाहते हैं। शुरुआत में आपको यहाँ पर कैटेगरी को क्रिएट करना होगा, इसलिए आपको न्यू कैटेगरी ऑप्शन का यूज़ करना है और यदि आपके पास लाइसेंस वर्जन है और नेट कनेक्टेड है तो आप टैली के हेल्पर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल सी आप प्रेस करेंगे तो सारे सेक्शंस आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, उसमें से आप अपना सेक्शन 194 सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद इन्हें टाइप भी कर सकते हैं। जैसे आप न्यू कैटेगरी पर क्लिक करेंगे आपको सारा सेक्शन का नाम, सेक्शन कोड, इस तरह से सारी थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह टाइप करनी होंगी। मैंने आपके लिए पहले से टीडीएस ऑन इंटरेस्ट नाम से सेक्शन तैयार कर रखा है और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि रेट ऑफ टीडीएस 10% रहेगा, लेकिन उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने सेट की है 5000। अदर देन बैंक्स को जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस पर 10% टीडीएस डिडक्ट होगा और थ्रेशोल्ड लिमिट 5000 हमें यहाँ पर सेट करनी है। देन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट को लेते हुए हम इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें जो लेजर बनाना है वो बनाना है जिस पार्टी से हमें लोन रिसीव हुआ है उसका लेजर। मैंने यहाँ पर मिस्टर सुशील मोगरा नाम से एक लेजर क्रिएट किया है, इसे मैंने रखा है अनसिक्योर्ड लोन्स में और नीचे इस टीडीएस डिडक्टेबल मैंने यहाँ पर सेट किया है। इंटरेस्ट पे करते समय हमें इसका टीडीएस डिडक्ट करना है। नीचे आपको ट्रीट एज टीडीएस एक्सपेंसेस इस ऑप्शन को नो रखिएगा। डिडक्टी टाइप जो मिस्टर सुशील मोगरा है वो हमारे लिए इंडिविजुअल और HUF रेजिडेंट है, आपको डिडक्टी की टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इस ऑप्शन को जब आप यस करेंगे तो आपको नेचर ऑफ पेमेंट जो हमने अभी क्रिएट किया था अंडर सेक्शन 194 उससे इस लेजर को लिंक करवाना है। देन यूज एडवांस टीडीएस एंट्री, जब आप इस ऑप्शन को भी यस करेंगे तो आपको सरचार्ज, एग्जम्पशन लिमिट, इग्नोर इनकम टैक्स, एग्जम्पशन लिमिट, ये सारे ऑप्शंस टैली पूछेगा। अभी आप इसे ब्लैंक छोड़ते हुए एंटर प्रेस करते हुए आगे आइएगा और याद रखते हुए पार्टी का पैन नंबर यहाँ पर आपको फिल आउट करना है। यदि आप पैन नंबर नहीं डालेंगे तो जो टीडीएस का रेट होगा 10% की जगह 20% डिडक्ट होगा, तो आप पैन नंबर जरूर डालिएगा। देन एंटर प्रेस करते हुए इस लेजर को सेव कर दीजिएगा। एक और लेजर हम क्रिएट करेंगे टीडीएस का, या तो आप टीडीएस ऑन इंटरेस्ट नाम से लेजर क्रिएट कीजिएगा या फिर आप यूनिवर्सल लेजर टीडीएस क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप अलग अलग बाइफर्केशन चाहते हैं, टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन कमीशन, तो आप अलग अलग टीडीएस के लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक ही लेजर का यूज़ करते हुए टीडीएस को डिडक्ट कर सकते हैं। मैं एक यूनिवर्सल लेजर यूज़ कर रहा हूँ टीडीएस, इसे हम रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में और टाइप ऑफ ड्यूटी में टीडीएस सेलेक्ट करना है। यहाँ टैली आपसे पूछ रहा है कि आप इस टीडीएस लेजर का किस तरह से यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसे टीडीएस और इंटरेस्ट से लिंक कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो ये टीडीएस लेजर केवल इंटरेस्ट के टीडीएस डिडक्शन पर ही यूज़ होगा और हम चाहते हैं कि इसी टीडीएस लेजर का हम अलग अलग टीडीएस डिडक्शंस पर यूज़ कर सकें, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा एनी। देन आप
एनी लेते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिएगा। अब हम एंट्रीज पास करेंगे। एंट्रीज पास करने के लिए हमको चलना है अकाउंटिंग वाउचर में। सबसे पहले हम रिसिप्ट वाउचर में चलेंगे और मिस्टर सुशील मोगरा से जो लोन हमें रिसीव हो रहा है उसकी हम एंट्री पास कर रहे हैं। सपोज 1 लाख का हमें लोन रिसीव हुआ है और हमने उसे अपने बैंक में डिपॉजिट करवा लिया है। अब नेक्स्ट मंथ हमें इन्हें इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करने के लिए मैं डेट चेंज कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ हमें एक रूल ध्यान में रखना है कि यदि हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पोस्ट करते हैं तो ड्यू की एंट्री पोस्ट करते समय ही हमें TDS डिडक्ट करने की एंट्री भी पास कर देनी है, या फिर हम सीधे इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करते समय हमें TDS की एंट्री पास करनी होगी। इन दोनों में से जो पहले हो रहा है, यदि आप ड्यू की एंट्री पहले पास कर रहे हैं अपनी बुक्स में तो आपको ड्यू की एंट्री के साथ साथ ही TDS डिडक्शन की एंट्री भी पास करनी है, और यदि आप ड्यू की एंट्री नहीं करते हैं और सीधे आप पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं तो पेमेंट की एंट्री के साथ TDS डिडक्शन की एंट्री पास करनी है। या मैं सबसे पहले ड्यू की एंट्री कर रहा हूँ। F7 जनरल वाउचर इंटरेस्ट पेड डेबिट करेंगे हम। मान लीजिए हम 10,000 का इंटरेस्ट उन्हें पे करना चाहते हैं। 10,000 TDS ऑन इंटरेस्ट नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लिया है। देन क्रेडिट हमें करना है पार्टी को, जो हमारा मिस्टर सुशील मोगरा लोन अकाउंट है उस लेजर को मैंने सेलेक्ट किया। टैली ने यहाँ ऑटोमेटिकली 9,000 अमाउंट शो कर दिया है। बाकी का जो अमाउंट है वो TDS लेजर में जाएगा, वो भी क्रेडिट होगा 1,000 के साथ। इट मीन्स 10% के अकॉर्डिंग यदि हम 10,000 उन्हें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो मोगरा जी के अकाउंट में 9,000 क्रेडिट हो रहा है। उनसे हमने 1 लाख का लोन लिया था, लेकिन आप देख रहे होंगे 1,09,000 हो गया है। 9,000 इंटरेस्ट भी उनके लेजर में ऐड हो चुका है और TDS के लेजर में 1,000 यहाँ पर आ चुका है। इस एंट्री को पोस्ट करने के बाद हम चलेंगे अपने रिपोर्ट्स में, डिस्प्ले स्टेचुटरी रिपोर्ट्स, TDS रिपोर्ट, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था फॉर्म 26Q अदर देन सैलरी डिडक्शंस। सैलरी पर जो TDS डिडक्शन होता है उसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपको फॉर्म 26Q में दिखाई देंगे। आप जब इसके अंदर जाएंगे तो आपको डिडक्शन एट नॉर्मल रेट दिखाई दे रहा है, टैक्स डिडक्टेबल 1,000। ड्यू की एंट्री पास करने के बाद इंटरेस्ट पे करने के लिए हमें चलना है अपने पेमेंट वाउचर में, और पेमेंट वाउचर में पार्टी का जो लेजर है उसे हम सेलेक्ट करेंगे 9,000 के साथ, और कैश या बैंक लेजर लेते हुए मोगरा जी को हम पेमेंट कर देंगे केवल इंटरेस्ट का। अब हमें गवर्नमेंट को TDS डिपॉजिट करवाना है, उसके लिए आप सीधे पेमेंट वाउचर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट वाउचर में आपको ओल्ड के साथ एस प्रेस करना होता है, अदरवाइज आप अपने रिपोर्ट्स में जो हमने अभी रिपोर्ट्स देखी थी TDS रिपोर्ट्स फॉर्म 26Q, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा स्टेट पेमेंट, आप यहाँ भी ओल्ड के साथ एस प्रेस कीजिएगा। जब आप अल्ट के साथ एस यहां प्रेस करेंगे तो फिर से आपको स्टेचुटरी पेमेंट विंडो दिखाई देगी। यहां आपको TDS सेलेक्ट करना है 1 अप्रैल to 30th अप्रैल, लेकिन हमारा ये एजुकेशन मोड है इसलिए मुझे 1 मई यहां पर सेलेक्ट करना होगा। डिडक्शन टिल डेट वो भी 1 मई, सेक्शन 194A TDS ऑन इंटरेस्ट, और हम जिसका TDS काट रहे हैं वो कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल HUF है, इसलिए मुझे यहां पर नॉन कंपनी सेलेक्ट करना होगा। रेजिडेंट देन बैंक से हम ये TDS डिपॉजिट करवाने वाले हैं, इसलिए बैंक सेलेक्ट करते हुए आपको एंटर प्रेस करना है। आप देख रहे होंगे TDS का पेमेंट हो चुका है 1,000 रुपीज़, और इस एंट्री को आप सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद दोस्तों जब आप रिपोर्ट में देखेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ नॉट इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन में वो ट्रांजेक्शन शो हो रहा है 1। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए आप इस ट्रांजेक्शन को देखिएगा। जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर बैंक डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल इन पेमेंट वाउचर, इस तरह का टैली हमें ऑप्शन दिखा रहा है। जब हम इसे एंटर करते हैं तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल आउट करनी होती है। सबसे पहले चेक और DD का नंबर, देन चेक और DD की डेट, देन BSR कोड। दोस्तों बेसिक स्टैटिकल रिटर्न एक कोड होता है जिसे रिजर्व बैंक बैंक्स को इश्यू करता है, और TDS या TCS का रिटर्न भरते समय ये 7 डिजिट का कोड हमें यहाँ पर फिल आउट करना होता है। देन फिर चालान नंबर हमें फिल आउट करना होता है, चालान की डेट, और एंटर करते हुए बैंक की डेट और उसका ब्रांच यहाँ पर फिल करते हुए हमें सेव करना होता है। जब हम सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर देते हैं तो वो पेमेंट ट्रांजेक्शन भी इंक्लूड ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में हमें दिखाई देता है, और नीचे की तरफ आप देखेंगे TDS ऑन इंटरेस्ट वो अलग से आपको हेडिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। जितने भी TDS से संबंधित आपने पेमेंट्स किए होंगे वो आपको इस विंडो में यहाँ पर दिखाई देंगे। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि किस तरह से आपको TDS और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 194 से संबंधित एंट्रीज को टैली में पोस्ट करना है। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो,
ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।